हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन सेज, व्हेन द प्लेन ऑफ द आर्मेचर ऑफ एन एसी जनरेटर इज पैरेलल टू द फील्ड इन व्हिच इट इज रोटेटिंग, ओके, ऑप्शन ए इज बोथ द फ्लक्स लिंक एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल आर जीरो, ऑप्शन बी इज द फ्लक्स लिंक विद इट इज जीरो व्हाइल द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज मैक्सिमम, ऑप्शन सी इज फ्लक्स लिंक्ड इज मैक्सिमम व्हाइल द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज जीरो, ऑप्शन डी इज बोथ द फ्लक्स एंड ईएमएफ विल हैव देयर रेस्पेक्टिव मैक्सिमम वैल्यूज, ओके। तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि जब प्लेन ऑफ द आर्मेचर ऑफ एसी जनरेटर का क्या होगा, पैरेलल टू द फील्ड होगा, देन इन विच इट इज रोटेटिंग, ओके। तो हमें फ्लक्स और इंड्यूस ईएमएफ बताना है, ओके। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप एसी जनरेटर लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए, एसी जनरेटर इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। तो देखिए बच्चों, एसी जनरेटर होता क्या है, एसी जनरेटर होता है, देखिए जनरेटर जो होते हैं वो आपके क्या करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं, किसमें, आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ओके। और अगर आप एसी करंट प्रोड्यूस कर रहे तो उसे हम जो करते हैं उसे हम बोलते हैं क्या, एसी जनरेटर बोलते हैं। एसी जनरेटर में आपके क्या होते हैं, स्लिप रिंग्स लगे होते हैं। क्या होते हैं, स्लिप रिंग्स, जो क्या करते हैं, आपके करंट के डायरेक्शन को करते हैं चेंज करते हैं, आफ्टर हाफ रोटेशन वो क्या करते हैं चेंज करते हैं, जिसके कारण क्या होती है आपकी जो करंट होती है वो क्या होती है, पोलरिटी वाली करंट होती है, ओके। वो क्या होती है, उसमें पोलरिटी होती है, यूनिपोलर नहीं होती, ओके। सो दिस इज द आवर एसी जनरेटर, ओके। तो देखिए इसमें क्या होता है, जो आपका आर्मेचर होता है, जो इसमें क्या होता है, देखिए आपका आर्मेचर होता है, इसमें देखिए आपका क्वेश्चन ने बोला कि व्हेन द प्लेन ऑफ द आर्मेचर ऑफ एन एसी जनरेटर इज पैरेलल टू द फील्ड, जो इसका आपका प्लेन है वो क्या आपके फील्ड के पैरेलल है, ये आपका क्या देखिए प्लेन है, ये अगर क्या होगा आपका फील्ड के पैरेलल होगा, ओके। अगर आपका देखिए दिस इज द फील्ड, ये क्या आपका मैग्नेटिक फील्ड है, मान लीजिए कि आपका मैग्नेटिक फील्ड है और ये आपका प्लेन है, ओके। तो देखिए बच्चों, इस केस में हमें बताता है, इसमें हमें बताने कि फ्लक्स और इंड्यूस्ड ईएमएफ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, फ्लक्स और इंड्यूस्ड ईएमएफ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ओके। तो देखिए बच्चों, जो आपका फ्लक्स होता है, फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स आपका बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है, और इस केस में आपका देखिए अल्टरनेटिंग करंट क्यों कहता है, एन ए बी कॉस ऑफ फाई, ओके, कॉस ऑफ फाई नहीं, कॉस ऑफ थीटा बोल देते हैं, ओके, थीटा इज द एंगल, ओके, फाई सिंबल हम यहाँ पर फ्लक्स के लिए यूज कर रहे हैं, ओके। तो कितना हो जाएगा आपका, एन ए बी कॉस ऑफ थीटा, ओके। सो दिस इज अ मैग्नेटिक फ्लक्स, ये क्या होगा आपका मैग्नेटिक फ्लक्स हो, ओके। तो देखिए इसका जो नॉर्मल होगा, जो आपका इसका नॉर्मल होगा वो क्या होगा आपका, आउट आउट ऑफ द स्क्रीन होगा, क्या होगा, आउट ऑफ द स्क्रीन होगा, ओके। मान लीजिए दिस ये आउट ऑफ द स्क्रीन नॉर्मल, ओके। या फिर देखिए मान लीजिए अगर आपकी ये आपकी कॉइल है, दिस इज द कॉइल, ये आपकी आर्मेचर की कॉइल है, ओके, इस तरीके से है, ओके, दिस इज द कॉइल, ये आपकी कॉइल है, ओके, और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ओके। तो जो इसका नॉर्मल होगा, नॉर्मल भी आपका इसी डायरेक्शन में क्या करेगा, लाई करेगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल, और आपका मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, ओके। जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या, इट इज इन द प्लेन ऑफ द, वो क्या आपके प्लेन के, जो आर्मेचर का प्लेन है उसके पैरेलल है, ओके। तो देखिए बच्चों, इस केस में हम बोल सकते हैं जो यहाँ पर आपका मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड और जो उसका नॉर्मल टू दिस प्लेन है, आर्मेचर का जो नॉर्मल है, इन दोनों के बीच में कितना डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है, कितना, 90 डिग्री का एंगल है। तो हम बोल सकते हैं देखिए यहाँ से जो फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा आपका, एन ए बी कॉस ऑफ 90, कितना हो जाएगा आपका, एन ए बी कॉस ऑफ 90, कॉस 90 की वैल्यू 0, तो हम बोल सकते हैं जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो कितना होगा, 0 पास होगा, और वो ऑब्वियसली वो बहुत ही ऑब्वियस है, ओके। मान लीजिए कोई आर्मेचर है, उसके पैरेलल कोई आपके फील्ड लाइन आ रही है, अगर पैरेलल फील्ड लाइन जाएंगी तो उससे तो फ्लक्स 0 पास होना है, ओके। अगर फील्ड लाइन्स के हैं उसके, अगर फील्ड लाइन्स के हैं उसके सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी तभी हमारे पास कुछ फ्लक्स आ पाएगा, ओके। अगर पैरेलल हो जाएंगे फिर तो कोई फ्लक्स आएगा नहीं, ओके। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपका नो फ्लक्स होगा, और हमसे इंड्यूस ईएमएफ के लिए पूछा, ओके। तो देखिए बच्चों, ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ होता है आपका माइनस डी फाई बाई डी टी, फ्लक्स का डिफरेंशिएशन, ओके। तो ये सारे टर्म आपकी कॉन्स्टेंट है, तो मैंने इसको कॉन्स्टेंट ले लिया, ई फाई, और कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा आपका, साइन थीटा आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका, साइन थीटा, और ये आपका डी थीटा बाई डी टी आएगा, ओमेगा, वो टर्म आपकी क्या हो जाएगी, इस कॉन्स्टेंट में हमने आगे क्या कर लिया, इवेल्यूएट कर लिया, ओके। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर से हम लिख सकते हैं आपका ई नॉट साइन ऑफ 90, ओके। थीटा कितना है आपका, 90 डिग्री है, तो आपका जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो कितना हो जाएगा आपका, मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, ओके। तो हम बोल सकते हैं कि इस केसेस में जब आपका क्या होता है, जब आपका मैग्नेटिक फील्ड है इट इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द आर्मेचर, ओके। तो इस केस में आपका मैग्नेटिक फ्लक्स तो 0 पास हो रहा है, लेकिन आपका ईएमएफ इंड्यूस क्या हो रहा है, आपका मैक्सिमम ईएमएफ क्या हो रहा है, आपका इंड्यूस हो रहा है, ओके। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। तो देखिए बी ऑप्शन में क्या गिवन है, बी ऑप्शन में बोला है कि फ्लक्स लिंक विद इज जीरो, फ्लक्स आपको जीरो हो रहा है, वेल इंड्यूस ईएमएफ इज मैक्सिमम, इंड्यूस ईएमएफ क्या हो रहा है, मैक्सिमम। तो बोल सकते हैं इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग जो आपका क्या ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन बी का जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।